हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक क्लब। तो आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग अपना पैटर्न चेंज भी करने वाले हैं। अब तक हमने देखा था ए टू जेड की सीरीज, ओके। आज हम देखने वाले हैं जेड टू ए की सीरीज, ओके। तो आज जेड टू ए की सीरीज शुरू करने के पहले मैं आपको एक दो पैटर्न के सवाल बताना चाहूँगा, ओके। अगर आप वो पैटर्न के सवाल अच्छे से समझ गए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं आपको कुछ और नए टाइप के सवाल आज ही दिखा दूं। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होगा जितना जितना टी पी से, जितना टी पी से। अबे क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखो क्या बोल रहा है ये। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होगा जितना टी पी से दूर है, जितना टी पी से दूर है। टी पी से कितना दूर है बताओ, टी पी से कितना दूर है, टी जो है पी से कितना दूर है। पी मेरा होता है 16, टी मेरा होता है 20, कितना दूर है ये, +4 दूर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होगा जितना टी पी से है, तो कितना दूर होगा वो जी से, वो जी से कितना दूर होगा बताओ। वो जी से दूर होगा +4, कितना दूर होगा +4 होगा, जी मेरा 7 होता है, 7 4 11 क्या होगा, के आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में के ऐसा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना टी पी से दूर है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपका। सेम यहाँ पे क्या होगा आपका, जी का के होगा, ओके। कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू दी, फोर्थ टू दी राइट ऑफ चे। अब लिखिए इसका हिंदी अनुवाद, ओके। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर जे के दाएं 4 के बाएं, जे के दाएं 4 के बाएं 3 होगा, जे के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। अब देखो यहां पर, अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है, कौन सा अक्षर जे के दाएं 4 के बाएं तीसरे 4 के बाएं तीसरा होगा। फोकस करो जे के दाएं पर, इसके ऊपर फोकस करो, जे के दाएं पर फोकस करो कि जे का दाया क्या है, जे के दाएं पर फोकस करो, ओके। जे के दाएं पर फोकस करो, जे के दाएं पर फोकस करो, जे के दाएं पर, ओके। जे के दाएं का मतलब क्या है, जे के दाएं का मतलब क्या है, जे क्या होता है आपका, जे आपका होता है 22 से 10वां, क्या होता है ये आपका 22 से 10वां होता है, ओके। या आपका क्या होता है 22 से 10वां होता है, इसका मतलब क्या है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा। और हिंदी में क्या बोलूंगा, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ, टू दी राइट ऑफ
टू द राइट ऑफ टेंथ ऑफ लेफ्ट, टू द राइट ऑफ टेंथ टू द लेफ्ट, टू द राइट ऑफ टेंथ टू द लेफ्ट। इसको मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ तो आप सबको मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में आंसर आपका आगे से आता है बाया और पीछे क्या होगा, जे का मतलब क्या है टेंथ टू द लेफ्ट, इसका मतलब क्या है टेंथ टू द लेफ्ट। ओके तो यहाँ पे मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट अर्थात बाया। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, बाएं को दाएं से कंपेयर करो क्या आएगा, ओके बाएं को दाएं से कंपेयर करो क्या आएगा प्लस आएगा, और इसी बाएं को बाएं से कंपेयर करो क्या आएगा माइनस आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे देखो, दस दस प्लस बाएं से दाएं चार प्लस में होगा लेकिन तीन माइनस में होगा, तो चौदह माइनस तीन कितना मिल जाएगा आपको ग्यारह, ग्यारह मतलब के आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये सारे के सारे सी सेट के पूछे पूछे सवाल है। देखो यहाँ पर विच लेटर इज थर्ड थर्ड टू द राइट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर राइट ऑफ द लेटर विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। हिंदी में लिखो इसका अनुवाद, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा दाएं नंबर लिखता हूं दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, जो कि ओ के दाएं चौथा है, जो कि ओके दाएं चौथा है। ओके देखो अब इसका मतलब क्या, ये बोलना क्या चाहता है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, जो कि ओ के दाएं चौथा है। ओके क्वेश्चन के मीनिंग को अच्छे से समझो, देखो बोल रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, ओ के दाएं जो चौथा होगा वही उस अक्षर की जगह पर बैठेगा। ध्यान से देखो, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है। मैं अगर मान लू कि उस अक्षर के जगह पर अगर के बैठा है तो इसका मतलब क्या है, के मतलब यार तो एक काम करो मान लो कोई अल्फा बैठा हो, कौन सा अक्षर अल्फा के दाएं तीसरा है, अल्फा के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, जो कि ओ के दाएं चौथा है, मतलब समझ गए ओ के दाएं चौथा वही आएगा जो उस अक्षर के जगह पर बैठेगा। ओके कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है, कौन सा अक्षर देखो यहां पर, कौन सा अक्षर ओ के दाएं कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है। तो मैं अगर मान लो मैं यहाँ पे एक अल्फाबेट मानता हूँ ओ जो यहाँ पे गिवन है, देखो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, ओ मेरा 15 है, ओ के दाएं चौथा मतलब प्लस चार क्या मिल जाएगा एस मिल जाएगा मतलब 19। अब क्या बोल रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है, उस अक्षर के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है, ओ के दाएं चौथा ये है। तो यहां से तीसरा पूछ रहा है मतलब प्लस तीन कितना मिल जाएगा यहाँ पर बाईस का मतलब बी होगा इसका आंसर। ध्यान से देखना उस अक्षर के जगह पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ओ के दाएं चौथा जो है वो उस अक्षर के ऊपर बैठेगा।
कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है, उस अक्षर के दाएं तीसरा है, उस अक्षर के दाएं तीसरा है जो कि ओ के दाएं चौथा है। ओ के दाएं जो चौथा होगा उस मतलब एस के दाएं तीसरा है, एस के दाएं तीसरा पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है ये, एस के दाएं तीसरा पूछ रहा है। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इस सवाल से आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा, विच लेटर इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ थर्ड टू दी राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ थर्ड टू दी राइट ऑफ जे राइट ऑफ जे। हिंदी में लिखो, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरे के दाएं दूसरा है जो कि जे के बाएं तीसरे के दाएं चौथा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरे के दाएं दूसरा है जो कि जे के बाएं तीसरे के दाएं चौथा है। अब जो कि के स्थान पे उस अक्षर का आंसर बैठेगा, जोकी के जगह पे अभी उस अक्षर का आंसर बैठेगा। अब वो उस अक्षर का आंसर मुझे कहां से मिलेगा, उस अक्षर का आंसर मुझे मिलेगा इस वाले इक्वेशन से, जो कि जे के बाएं तीसरे के दाएं चौथा है। समझ गए। चलो, जे मतलब मेरा क्या होता है, बाएं से दसवा, क्या होता है, बाएं से दसवा। तो यहाँ पे लेफ्ट से कितना, टेंथ प्लस बाएं से दसवें के बाएं तीसरे, बाएं से दसवें के बाएं तीसरे के दाएं चौथा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे सात में से दस में से तीन का चार सात प्लस ग्यारह, तो ग्यारह। बाएं से ग्यारह मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि के दाएं पूछ रहा है ये, के दाएं के मतलब मेरा ग्यारह होता ना, तो के दाएं पूछ रहा है। ओके, तो के मेरा क्या है, के मतलब उस अक्षर के स्थान पर के बैठने वाला है। ओके समझ गए, उस अक्षर के स्थान पर के बैठने वाला है। के का मतलब क्या है, मेरा बाएं से ग्यारहवा क्या है, बाएं से ग्यारहवा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बाया मतलब क्या होता है, मेरा लेफ्ट होता है। ओके, लेफ्ट से ग्यारहवें के दाएं तीसरे के दाएं दूसरा। ओके, ग्यारह तीन चौदह दो सोलह, वो लेफ्ट से सोलह मेरा क्या होता है, पी होता है, एंड पी इज द राइट आंसर। समझ गए, जोकी के स्थान पे हमेशा उस अक्षर को बैठाना है, जोकी के स्थान पर हमेशा आपको उस अक्षर का बैठाना है। समझ गए, ये कुछ नए पैटर्न के सवाल थे। ओके, ये कुछ नए पैटर्न के सवाल थे जो आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। समझ गए, अब तक तो पूछे नहीं गए बट मेरे को लगा कि पूछे जाएंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। समझ गए, इसके बाद जो हम लोग अपना नेक्स्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, Z2A वाला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट सा, कुछ नया चालू करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि उस अक्षर के स्थान पर हमेशा जोकी को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जोकी उस अक्षर को दर्शा रहा है, उस अक्षर के दाएं तीसरे के दाएं दूसरा है, जोकी जे के मतलब क्या है, के जो के की बात कर रहा है, के जे के बाएं तीसरे के दाएं चौथा है। समझ गए, उस अगर नहीं समझ रहा इतना तो ट्रिक याद रखो कि उस अक्षर के स्थान पे आपको जोकी वाला आंसर रखना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, टिल देन तब तक अगला, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।